हेलो एवरीवन, मैं जा रहा हूँ आज मथुरा वृंदावन। वहाँ पे छड़ी माल होली होती है और लटमार होली होती है, वो सारी देखेंगे और आपको भी बताएंगे कि किस प्रकार से खेली जाती है। तो मैं जाऊँगा बरसाना, मथुरा वृंदावन और नंदगांव। वहाँ पे छड़ी मार होली हो गई, लठमार होली होगी, गुलाल के द्वारा होली खेली जाती है। पूरा प्रोग्राम हम देखेंगे और आप भी इंजॉय करना पूरा प्रोग्राम। और अभी मेरी ट्रेन है अजमेर से 6:18 पे, दो मैं रात को 2 बजे मथुरा उतरूँगा। सो गाइस, 7 घंटे का सफ़र तय करके मैं पहुँच चुका हूँ मथुरा। और यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है कोसी कालान, एक जगह है वहाँ मैं जाऊँगा। तो मेरी अभी ट्रेन है 4 बजे। गाइस, वैसे तो बरसाना जाने के लिए आपको मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर आपको ऑटो और बस मिल जाएगी, लेकिन जो बसेस वगैरह चलती है वो 6 बजे बाद चलती है। उससे पहले ये एक शटल चलता है जो कि आपको कोसी कालान उतारेगा। 40 मिनट का रास्ता है। अभी मैंने इसका टिकट लिया है, 30 रुपीज़ का टिकट है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी रहती है। सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ कोसी कला, इसे कोसी कालान के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से 10-12 किलोमीटर है नंदगांव, उसके बाद आएगा बरसाना। तो मैं एक हमारे भाई है उनके घर पे जा रहा हूँ, वहाँ से मैं रेडी वगैरह होके उनके साथ ही निकलूँगा बरसाना। सो गाइस, ये भैया हमें लेने आए हैं, इनके साथ ही मैं बरसाना जाऊँगा। तो भैया अपना नाम बता दो हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम डैनी है। क्या नाम है? डैनी भाई है ये। कल योगी जी जो इलेक्शन जीते थे उसमें फुल मस्ती कर रहे थे और आज ये बरसाना में मस्ती करने वाला है। सो गाइस, हम रेडी हो चुके हैं बरसाना जाने के लिए। अभी हम कोसीकला रेलवे स्टेशन पे हैं और डैनी भाई है, इनके घर पे हम रुके थे और काफ़ी खातिरदारी करी है भैया ने हमारी और इनके साथ हमने मैच भी खेला था। और इनका इनका ग्रुप है डैनी भाई का, ये सारे ग्रुप के मेंबर्स हैं जो कि बरसाना जा रहे हैं। ये पूरा गाइड करेंगे मुझे कहाँ कहाँ ये लेके जाते हैं, वो सब कुछ आपको बताएंगे। तो डैनी भाई, कितना टाइम लगेगा यहाँ से पहुँचने में? यहाँ से लग जाएगा कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा लग जाएगा। तो जा कैसे रहे अपन, बाई बस जा रहे हैं या फिर? नहीं नहीं, टेम्पू से जा रहे हैं। अच्छा, अपन ने ऑटो कर रखा है। राधे राधे। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा जो नंदगांव है, नंदगांव से लोग आएंगे आज बरसाना होली खेलने, जिसे लठमार होली होती है। और बरसाना से कल जाएंगे नंदगांव लोग, इसमें मेल ही जाते हैं अधिकतर। तो आदमी लोग जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पे नंदगांव जाएंगे कल, वहाँ पे वो लठमार होली खेलेंगे। तो एक दूसरे को इनवाइट करते हैं ये। गाइस, हम बरसाना जा रहे थे तो रास्ते में हमें ये शनि महाराज का मंदिर दिखा है। आप सामने देख सकते हैं कितनी बड़ी मूर्ति लग रखी है भगवान शनि महाराज की। अगर मैं नीचे से इसको काउंट करूं तो ये लगभग 100 फीट की है और आप ऊपर से देखेंगे प्रॉपर, अगर मूर्ति की मैं बात करूं तो ये 65 फीट इसकी ऊँचाई है और नीचे सीढ़ियों से आप देखोगे तो 100 फीट की है ये। तो ये मंदिर रास्ते में भाई लोगों ने मुझे बताया था ये मंदिर काफ़ी फेमस है। तो कौन कौन आया रखा है यहाँ पे पहले? सभी आ रखे हैं, सभी आ रखे हैं, सब पे यानी कि शनि भारी है इसलिए। गाइस, हम बरसाना के कुछ रास्ते आ चुके हैं, अभी यहाँ से 2-3 किलोमीटर और है। यहाँ पे पार्किंग बन रखी है, यहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ी कर सकते हैं। जो अपनी पर्सनल व्हीकल्स आ रहे हैं उनको तो जाने दे रहे हैं, जो ऑटो वगैरह में आ रहे हैं उनको यहाँ से रोक लिया गया है। और यहाँ से पैदल जाना है या फिर आप दोबारा ऑटो कर सकते हो यहाँ से, ये ऑटो वगैरह खड़े हैं यहाँ पे। गाइस, जो बरसाना है वो राधा जी का निवास स्थान है, ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन ही भगवान कृष्ण आए थे बरसाना में। और जो बरसाना में वो राधा से मिलने आए थे तो उनकी जो सहेलियाँ थी उनके साथ वो मस्ती कर रहे थे, छेड़खानी कर रहे थे। तो उनकी जो सहेलियाँ थी उन्होंने लाठी के द्वारा उनको मारने की कोशिश करी, तो उसी से ये परंपरा चलती आ रही है लठमार होली की। तो इसी दिन, आज के दिन ही जो राधा से मिलने भगवान कृष्ण जी आए थे, इसे महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो होली का पर्व है एक तरह से। तो जो होली आने वाली है उसके 1 हफ्ते पहले से यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाते हैं। आज बरसाना में लठमार होली है तो नंदगांव से लोग आएंगे बरसाना में और कल बरसाना से जाएंगे लोग नंदगांव में। तो 2 जगह लठमार होली होती है, जो फेमस होली है लठमार होली,
वो बरसाना की है। तो गाइस हम बरसाना पहुंच चुके हैं, यहाँ से बस ये शुरू हो चुकी है भीड़भाड़। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे, और अब मेरी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आने वाली आपको, ये शोर शराबा ही सुनाई देगा आपको। ये है राधा रानी का मंदिर, और एक मंदिर ऊपर भी है। ये जो सामने मंदिर देख रहे हैं ये राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और ऊपर जो मंदिर है वो यूपी गवर्नमेंट के अंडर में आता है। राधे 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 राधे। गाइस आप जो सामने देख रहे हैं ये है राधा रानी का मंदिर। हम आ चुके हैं राधा रानी के मंदिर में। देख सकते हैं वो कलर वगैरह फेंक रहे हैं सबके ऊपर। देखो कलर यार, खतरनाक कलर बना रखा इन लोगों ने।
करते हैं, ये लठमार होली है यहाँ की। नंदगांव से ये लोग आए हैं और औरतें जो है वो बरसाना की है, जो कि इन पे लठ बरसा रही है। और कल ये नंद बरसाना से आदमी लोग जाएंगे और नंदगांव में ये लठमार होली दोबारा बनाई जाएगी। निकले हैं भीड़ से अब। हाँ भाई, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ का। फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ और डैनी भाई लेके आए हैं और उसके साथ में पूरा ग्रुप है जो कि लेके आए हैं। मैं अकेला आता तो मैं पूरा बिल्कुल घूम नहीं पाता, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से मुझे घुमाया डैनी भाई ने। डैनी भाई थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा घुमाया और लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे यहाँ के। पहले ऐसे होली मैंने कभी नहीं देखी थी। गाइस हम आए हैं कीर्ति मंदिर, ये राधा रानी की माता जी का मंदिर है, कीर्ति मंदिर। आप देख सकते हैं इसमें जो बलुआ पत्थर से पूरा बना है, इसमें जो कारीगरी का अद्भुत नज़ारा है ये आप देख सकते हैं। इसमें बारीकी से काम किया गया है, बलुआ पत्थर से बना हुआ ये मंदिर बहुत ही फेमस है यहाँ का बरसाना का। राधा रानी की माता जी का नाम था कीर्ति, उन्हीं को समर्पित है ये मंदिर। राधे, कहाँ खो गए थे भैया जी? हम तो आपको ढूंढ रहे थे भैया, कर रहे अच्छा पब्लिक थी तो आप कहाँ चले गए? गाइस जो मंदिर बना है वो जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ने बनवाया था। और ये देख सकते हैं ये पूरा मंदिर परिसर है जहाँ मैं अंदर है, और भीड़ देख सकते हैं। जो भी लोग यहाँ की लठमार होली देखने आए हैं वो लठमार होली एंजॉय करने के बाद आ चुके हैं इस मंदिर में। कीर्ति मंदिर इसका नाम है और पूरा बलुआ पत्थर से बना है, वो कारीगरी का अद्भुत नज़ारा है। सच में यार बहुत शानदार है, देखने लायक मंदिर है। तारीफ जितनी करूँ उतनी कम है। ये ऐसा मंदिर है जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, केवल आप देख के इसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो हमने आज आपको बरसाना की होली बताई है और भैया ने पूरा हमें गाइड किया था। लठमार होली थी, बहुत फेमस है, दुनिया भर से लोग आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हमारा ये जो ब्लॉग है वो आपको पसंद आ रहा होगा, और वीडियो हमारी पसंद आ रही तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।